मैं यार बोर्ड के वर्ग 10 के गणित की किताब के प्रश्नावली 5.3 जो एपी का है अर्थात समानांतर श्रेणी का है के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का हल बताने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए मेथड जरूर पसंद आएंगे। यदि पसंद आएंगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुगल किशोर प्रसाद, जो बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दिए हुए जो फलों को ज्ञात कीजिए, यानी जो फल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 34 + 32 + 30 + ++ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ A1 हो गया 34, A2 हो गया 30। जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले नोट कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, और जो नहीं दिया गया है उसको वाट कर देंगे। तो देखिए यहाँ A1 हो गया 34, A2 हो गया 32, N का मान दिया हुआ है 10। N करिए या L करिए, L 10। D निकालना है तो D = what, N = what, SN = what। आइए सबसे पहले हम लोग D निकालते हैं। तो D बराबर होता है A2 - A1। A2 हो गया 32, A1 हो गया 34, तो -34 हो गया। यहाँ सूत्र का माइनस है तो 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, 32 - 34, 32 - 34। ध्यान दीजिए, चिन्ह को दिमाग से हटा दीजिए, तो 32 और 34 लिख दीजिए। अब देखिए इस दोनों में कौन बड़ी है संख्या, तो 34 बड़ी है। ऐसे तो इस टाइप से लिखने पर हम देख रहे हैं कि 32 बड़ी है, क्योंकि 32 धनात्मक है और 34 क्या है, ऋणात्मक है। तो इस टाइप से न लेकर के उसको अलग अलग करके लिख दीजिए बिना चिन्ह का। तो 34 बड़ी है, तो 34 में से 32 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। 4 में से 2 गया 2, कितना आया, 2 आ गया। किस में से घटाया है, 34 में से। तो 34 के पहले क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, D बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब N के फॉर्मूला पर रख करके हम लोगों को N निकालना पड़ेगा। N निकालने के लिए N के फॉर्मूला पर रखेंगे, लिखेंगे N बराबर A + N - 1 × D। N का मान है कितना, 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर हो गया A का मान कितना, 34 + N - 1 × D का मान कितना है, 2 हो गया। ठीक है, अब 10 हो गया है, यह देखिए 34 जो है दाएं पक्ष में है, 34 के पहले प्लस का चिन्ह है, बाएं पक्ष में आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा N - 1 × कितना, -2। अब यह हो जाएगा 10 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, -24 आएगा, जो अभी आपको इसके बारे में बताए थे। अब बराबर हो जाएगा N - 1 × -2। अब देखिए यह 2 जो है N - 1 में इसका क्या संबंध है, गुना का संबंध है। तो जब इसका गुना का संबंध है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या करेगा, वह भाग करेगा, तो -24 - -2 बराबर हो जाएगा N - 1। अब 2 से 24 कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में, और यह माइनस भी है, ये भी माइनस है, तो -2 कट जाएगा। अब बराबर हो जाएगा N - 1। अब यह हो जाएगा -1 है इधर, यह दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो +1 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 13, यानी N का मान कितना गया, 13। अब हम लोगों को निकालना है SN। अब लिखेंगे SN, SN बराबर होता है N/2 cos A + A। यह भी एक फॉर्मूला है SN निकालने का। एक और फॉर्मूला होता है SN = N/2 cos 2A + cos N - 1 × D। ठीक, बड़ा कोष्ठ बंद, यह दो फॉर्मूला होता है। तो यह फॉर्मूला जो है वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें N का मान मालूम हो,
ए का मान मालूम हो और एल का मान मालूम हो तो वहां पर इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, बराबर हो जाएगा एन का मान, तो एन का मान देखिए कितना आया है 13, यहाँ हो जाएगा 13 बटा कितना है यहाँ 2, तो 2 ए प्लस एल है, तो ए का मान कितना है बच्चों 34, यहाँ एल का मान हो जाएगा 34 प्लस एल का मान है 10, तो 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/2 गुणे 34 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 44, कितना आएगा बच्चों 44। अब देखिए 44 जो है 2 से कट जाएगा, कितना बार में 22 बार में, 22 गुना 44 बराबर हो जाएगा 13 गुणे कितना 22 बराबर हो जाएगा 13 दुना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दुना 26 या 2 28 के 8 286 इसका आंसर आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 286। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे कितना, आंसर में लिख देंगे n बराबर 13 एस 13, यानी एस एन निकालना था तो एस 13 बराबर जाएगा 286, 13वां पद का जो, 13 पदों का जो, इसमें कुल 13 पद है, ठीक है, और 13 पदों का जो है 286। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की 2 का हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। अगला प्रश्न अगले वीडियो